अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो मैं हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। मैंने ये अपने दानों पे क्रीम भी लगा ली है और अभी मैं पढ़ने लगी थी सिपारा। आज हमारा प्लान शॉपिंग का कैंसिल हो चुका है क्योंकि सादिया मैडम सुबह सोई हैं 10 बजे और वो बोल रही हैं कि फिर वो शॉपिंग के लिए नहीं उठ सकती 1:30 बजे के करीब ना, तो इस वजह से हम आज नहीं जा रहे। लेट्स सी कि कब बनता है प्लान। जब बनेगा तो आपको भी साथ ले चलेंगे, आप भी देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या ले रहे हैं। फ़िलहाल मैं पढ़ने लगी थी सिपारा, तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ सिपारा। नमाज और कलाम पाक पढ़ने के बाद मैं कर रही थी सिलाई और यहाँ देखिए क्या हो रहा है। सोहा हेलो, शलवार में डाल दो इसको। शलवार ये अच्छा था मम्मी, शलवार मैं। वाओ भाभी वाओ, अरे ये तो कटोरी खुल गई, खराब हो गई। वाओ भाभी वाओ, पहली भी कटोरी हो गई है। कोई बात नहीं, कटोरा है ये, इसमें चाट ज्यादा आ जाएगी। हाँ ज्यादा चाट होगी भाभी, तो फिर ये भी खा लेनी है। जाहिर सी बात है, पापड़ी के जैसे यूज होगी। मुझे लगा कि ये जो है फेंक देनी है। सही है, बिल्कुल सही। तो देखना आएगा, बताना मत कि टेबल पर रख दिया हम लोगों ने। वही है मौजा, फ्रीजर में रखा है, फ्रीजर नहीं। ये नई किस्म की चाट है। यस नहीं मौसम, सच्चे में वही चाट है, बस ये नए तरीके से सर्व हो रही है। दिस इज कॉल्ड कटोरा चाट। यस कटोरी चाट। सुहा को तो कैसे देख रही है ना दीदी, कटोरी में बम हुआ है। कोई बात नहीं, उसके बाद जी हम सब ने रोज़ा खोला। एंड देन रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी सी बातें की, बातें करने के बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो जी हो रहे हैं सुबह के 10:30। मैं मासी का वेट कर रही हूँ लेट के। आज है मंडे का दिन, संडे कुछ भी शूट नहीं किया और मासी अभी तक नहीं आई है। मैं भी पड़ी हुई हूँ एकदम, मासी आए जल्दी से तो फिर काम वाम करें। आज काफ़ी देर हो गया मासी को, वरना आ जाती है 9:30-10 बजे तक। तो मैं भी सुस्ती करके पड़ी हुई हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं उठ जाऊँ। संडे को मैंने कुछ शूट नहीं किया था इसलिए आप लोगों को कुछ व्लॉग दिखा नहीं होगा। सैटरडे को सिर्फ 2 मिनट का कुछ शूट हुआ है, तो अब आज मंडे को मैं जो हूँ अपलोड कर दूँगी। संडे इस वजह से शूट नहीं हो सका क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी थी, तो इस वजह से मेरा ध्यान सिर्फ अपने कामों की तरफ था। अब ये कि आज थोड़ा बहुत कुछ शूट किया तो आई विल ऐड सैटरडे वाले व्लॉग में एंड देन आई विल अपलोड। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल के लिए सबसे पहले मैं उठ के आज सोचूं बेडशीट भी बदल दूँ, 3-4 दिन हो गए तो चलें बेडशीट बदलते हैं, उठ जाते हैं। सबसे पहले उठ जाते हैं। सोहा स्कूल जा चुकी है, सुबह मौसम बहुत अच्छा था पर अब ना धूप हो गई है बहुत। जी मैं नहा रही हूँ दोस्तों, नहा के मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अभी मैं पढ़ रही हूँ सिपारा और उसके बाद जी मैं सोहा को खाना खिलाऊँगी और खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा सोहा रेस्ट करेगी, थोड़ा सा खेलेगी एंड देन फिर सोहा को लेके बैठूँगी होमवर्क के लिए। तो पहले हम पढ़ते हैं अपना कलाम पाक। तो जी हाँ, सोहा टेबल साफ़ कर रही है क्योंकि अब टाइम हो चुका है इफ्तारी का। मेरी सिलाई मशीन इधर चली गई है और ये सोहा का ईद के दिन पहला जोड़ा है जो वो पहनेगी। ये बेल इग्नोर कीजिएगा, ये किसी और सूट की है, इसके साथ की बेल ये रही वाइट।
तो बस अभी ये सीना है, सिलाई मशीन साइड पे कर देंगे और खाना लगाएंगे हम टेबल पर। और मैंने सारी बेले वेले समेट के अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ रख दिया है, ये कपड़े सारे तय करने के हैं, मतलब तय करने वाले नहीं, मतलब सीने वाले अभी ये कपड़े। और वो जो ग्रीन बेल है ना वो इसकी है। तो जी हमारी टेबल लगना शुरू हो गई है, रायता है, सलाद है और बस आज खाने में बना है पुलाव। पुलाव दम पर है और ये समीर सोहा की बॉटल में रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं क्योंकि सोहा को भी जूस पीना है ना सोहा। तो जी द पुलाव इज़ रेडी। सोचा आप लोग को करीब से पुलाव दिखा दूं और व्लॉग भी साथ साथ एंड कर दूं आप लोग को खाना दिखाते हुए। बस जी रोज़ा खोलने के बाद मैंने सोहा को सुला दिया 8 बजे तक, एंड देन फिर इशा की नमाज़ पढ़ के, कलाम पाक पढ़ के, वर्कआउट करके मैंने ये व्लॉग एडिट किया है, एंड देन मैं इसको करूँगी अपलोड। आपसे मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।